तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? क्या चल रही है ज़िंदगी में? पढ़ाई लिखाई हो रहा है? बताओ बताओ, लाइव होता तो मज़ा ही आ जाता है। ये तो रिकॉर्डेड है ना, इसमें क्लिप काट काट के ऐड करना होता है। कितने एंटरटेनमेंट वाला बात तो हम काट के हटा देते हैं, क्योंकि सोचते हैं कि क्यों फालतू में टाइम बर्बाद करें। और बताओ, जैसे अभी अलार्म बजने लगा है तो बताओ, शुरू करें क्लास? राधे राधे। तो मैट्रिक्स पढ़ने वाले आज, ठीक है? तो मैट्रिक्स के कुछ बात कर लेते हैं, ठीक है? क्लास ट्वेल्थ का ये चैप्टर है। तो मैट्रिक्स को पहले हम लिखते हैं, जो ऐसे होता है ना बॉक्स, ऐसे ब्रैकेट, मिडिल वाला ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट से हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है? और ऐसे इसमें ए होता है रो, जो ऐसे होता है ना, ऐसे चलता है, जैसे ए वन वन, ए वन टू, इसको बोलते हैं रो, ठीक है? रो माने पंक्ति, 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 ठीक है? और जो ऐसे चलता है ऊपर से नीचे और ये, इसको बोलते कॉलम, ठीक है? कॉलम, ठीक है? और इसके बारे में, और इसको डिनोट करते हैं ना कैपिटल ए से, या कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, जो आपको बुक में दिया गया है, ठीक है? समझ में आया कि नहीं? इतना आया तो इसको हम लिखते हैं कैसे, पी क्रॉस क्यू में, ठीक है? जिसमें पी ए होता है और किसी में मल्टीप्लाई करना है उसको, ठीक है? और ए आई जे, ठीक है? तो ए आई जे क्या होता है पता है? ए आई मतलब रो, रोस, ठीक है? और जे मतलब कॉलम। ओके, समझ में आ रहा है ना? इतना इतना बेसिक बात है। लिखते क्या, एम क्रॉस एन, एम क्रॉस एन छोटा वाला है। तो एम होता है रो और एन होता है कॉलम, ठीक है? तो इतना तो बात क्लियर है ना? ओके, समझ में आया ना? तो चलो आगे चलते हैं। तो चलो टू क्रॉस टू के एक मैट्रिक्स बना के दिखाओ, जल्दी जल्दी सोचो मन में कैसे बनेगा, इमेजिन करो, बना? चलो हम बता देते हैं। टू क्रॉस, यहाँ पर पहले कैपिटल ए लिखो, मैट्रिक्स में ऐसे होता है ब्रैकेट मिडिल वाला, और टू क्रॉस टू, तो यहाँ पे ए वन वन, ए वन टू, ए टू वन, ए टू थ्री, ठीक है? इसको कहते हैं टू क्रॉस टू। ये है क्या एम, ये है एन, ठीक है? और एक्स एक मैट्रिक्स बनाओ थ्री क्रॉस थ्री का, बनाओ, सोचो कैसे बनेगा, एक बार दिमाग लगाओ अपना, लगाओ लगाओ, बनाओ बनाओ, बताओ बताओ, जल्दी बताओ। चलो हम बताते हैं, ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, ए वन टू, टू वन हुआ, टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री, ए थ्री वन, ए थ्री टू, ए थ्री थ्री, ठीक है? समझ में आ रहा है ना? आ रहा है कि नहीं बताओ? इसी तरह फोर का भी बनेगा, फाइव की भी बनेगा, लेकिन उतना पूछता नहीं है, एग्ज़ाम में इतना ही तक आएगा, टू क्रॉस टू, थ्री क्रॉस थ्री, और ज़्यादा हार्ड दार का होगा ना तो फोर क्रॉस फोर का पूछ सकता है, लेकिन पूछता ऐसे नहीं है, अभी तक थ्री क्रॉस थ्री का ही पूछता है। जैसे अब तुम जेई का पेपर दोगे ना, जेई मेंस, जेई एडवांस, उस समय ऐसे पूछता है, ठीक है? उस समय पूछता है कि फोर क्रॉस फोर के बनाओ, थ्री क्रॉस फोर का, यह सब
बाकी बंदे से पूछ दे, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ए कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 3x2। पहले यहाँ देखो 3x2, ठीक है, दिख रहा है ना। पहले ये बनाओ, ऑर्डर बनाओ 3x, देखो वो A11, A12, A13, चल देखो यहाँ पे रो रो 3 है ना, पहले वाला रो होता है, ठीक है, और कॉलम 2 है, ठीक है। तो कॉलम 2 ही बनाना है और रो 3 बनाना है। तो इसके बाद क्या होगा, 2 1 8 2 2 A 3 1 A 3 2 3 2, ठीक है, ये हो गया। और ए लिखा है ना, तो ए, ठीक है। और उसके बाद क्या दिया है, कुछ ए आई जे, और इसका ये दिया, ठीक है। तो देखो कैसे बनेगा, 2i+3 3j है ना, प्लस जे, ठीक है। तो इसमें देखो, तो पहले i कौन है, A11 का इसका निकालो, ठीक है। तो ये जैसे ना ये वाला वो लिख दो, इसके बाद क्रॉस 1 प्लस है तो प्लस, उसके बाद 3 जे, जे में कितना है, ये है i, ये है j, ठीक है। तो A11 का i j है, ठीक है, और इसको 1 है ना j का, तो इसको करो गुना कर दो 2+3, अभी बीच में प्लस है ना, प्लस किया है, उसके बाद 5 इसका आंसर, ठीक है। उसके बाद A22 है ना, यहाँ से A12, ठीक है, इसको निकालो, इसको निकालोगे तो कैसे होगा, देखो 2×1 क्योंकि 1 है ना, प्लस 2 2×, यहाँ पे 2 है तो 2, j का ये है ना वैल्यू 2, तो 2, उसके बाद 2+ यहाँ पे 4 नहीं होगा, 6, ठीक है, 6 होगा ना, 1 2 6, सही है, समझ में आ रहा है ना, आ रहा ना समझ। उसके बाद निकालते क्या, A21, ठीक है। तो इसका बताओ क्या होगा, पहले तो ये 2×2 रहेगा ऐसे ही, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे प्लस फिर बीच में है, तो उसके बाद 3 है तो 3, अरे ये तो सोचो कि ये गलत कैसे, यहाँ पे 3 होना चाहिए ना, यहाँ पे 6, उसके बाद यहाँ 8, और इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, सही है ये 8 होगा, मेरा ही मिस्टेक था। उसके बाद ये 2 है तो 2, और जी का मान ये, और आई का मान 2, उसके बाद जे का 1, ठीक है, यहाँ पे है ना, उसके बाद आई का 2 जे का 1, ठीक है। इसको गुणा करेंगे और इसको ऐड, तो 7 होगा आंसर इसका, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, आ रहा है ना समझ। उसके बाद आगे देखो, ये निकल गया, अब इसको निकालते हैं, ठीक है, यहाँ निकालो 8 2 2, ठीक है। तो 2×2+3×2 4+6 कितना हुआ, 10 10, A22 का, ठीक है, और A31 का देखो, इधर निकालते हैं कितना होगा बताओ, 2×3+3×1, ठीक है, तो यहाँ पे 6+3, ठीक है, तो 9 होगा इसके आंसर, सही है ना। ये 3 3 का 2×2, और आई के मान 3, जे का मान 1, तो हो गया आई का 6 3 है, आई का 3 है, उसके बाद जे का 1 है,
और मल्टीप्लाई करेंगे 6, 3 और 9 आंसर, ठीक है इसका। और उसके बाद निकाल रहा है क्या, उसके बाद ए ए 32 का, ठीक है। तो ए 32 का कितना कैसे निकलेगा बताओ, ए 32 का कैसे निकलेगा कोई सोच सकता है? तो पहले इसको यहाँ है ना 2i+3j, तो 2 को 2 ऐसे ही लिखेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 3 है ना, i का मान 3 है i, और j का मान 2 है, ठीक है। तो और उसके बाद प्लस के प्लस 3 और मल्टीप्लाई j में 2 आया ना, इसको 6+6 2 पे लेने से होगा इसका, ठीक है, समझ में आया ना। और उसके बाद इस सबको लिखेंगे कैसे अब बताओ, a11 का मान कितना था, a11 5 था, लिख रहा है इधर लिख रहा, a11 5, a12 8, उसके बाद a21 कहाँ है यहाँ 7, उसके बाद a22 10, उसके बाद a31 कहाँ है 8 3 1 9, उसके बाद 8 3 2 12, ऐसे करके ऐसे लिखते हैं मैट्रिक्स। एक नया मैट्रिक्स बन गया ना, देखो इधर समझ में आ रहा है ना, बन जाएगा ना, कोई क्वेश्चन देगा तो ऐसे सॉल्व करना होता है, हो जाएगा, एक एक क्वेश्चन दे बना लेगा, देते इसी में कर लो 3x3, 3x3, ठीक है, बाकी बात सब सेम है, बहुत आसान से बन जाएगा, ओके। तो आगे करें, चलो आगे चलते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ तो फिर से वही है, केवल इसमें स्क्वायर कर देना है। तो पहले फिर बनाओ 3x2 का एक मैट्रिक्स बनाओ, मेरे साथ बनाओ, रो 3 बनाना है, पहले वाला रो होता है और बाद वाला कॉलम, ठीक है। तो बनाओ a11 a12 a21 a22 a31 a32, ठीक है बन गया, और ए लिख दो, ठीक है, या एक्स भी लिख सकते हो, इस पर तो अभी दिया ही नहीं है लिखने के लिए, तो लिख लेते हैं, ओके। और इसको क्या बोला है, स्क्वायर करने के लिए, देखो aij=i+j करके स्क्वायर कर देना, ठीक है। तो a11 को करके दिखाओ, a11 को दिख रहा ना, ए है ये, 9 नहीं समझ लेना, ए, तो 1+1 करेंगे और इसको स्क्वायर करेंगे, 2 होगा और 2 के स्क्वायर 4, ठीक है। ए कितना 1 2, यहाँ से a12 और ये वाला यहाँ से, a12 का क्या होगा 1+3 2 है ना, 3 कहाँ से लिख रहे हैं, तो 3 स्क्वायर कितना होगा 9, फिर उसके बाद ए 2 1 यहाँ से, तो इसका क्या होगा 2+3 2+1 है ना, 2+1 स्क्वायर इक्वल 3 कितना होगा 9, समझ रहे हो ना कैसे बन रहा है, हुँ? उसके बाद आगे देखो ए ए कितना ए 2 2, तो 2+2 को स्क्वायर करना है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, ओके। उसके बाद ए 3 1, तो 3+1 स्क्वायर 4 होगा इसका, ये भी 16, ठीक है। उसके बाद ए 3 2 क्या होगा, 3+2 इसको स्क्वायर करो 5 24, ठीक है, ठीक है ना। इसको फिर लिखेंगे कैसे, देखो
A11 के किया है, 4 है, उसके बाद A12 के 9, उसके बाद A21 के 9, उसके बाद A22 के 16, उसके बाद A31 के, इसका भी 16, A32 के 25, बनेगा मैट्रिक्स शेप नया, समझ में आ रहा ना? ये 4 है, आ रहा है समझ? ये सब क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड वाले के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिहार बोर्ड वाले के लिए भी है, बट यूपी बोर्ड, लेकिन वो तो हिंदी में न जाता कर आदमी उसमें पढ़ता है, जो इंग्लिश में पढ़ता है उसके लिए तो ऐसे ही है, लेकिन कॉन्सेप्ट यही लगेगा। आया बात समझ? देख लो एक बार, फोटो लेना तो ले लो, ठीक है? तो अब आगे बढ़े, आगे एक हमारे पास मैट्रिक्स है, मान लो एक हमारे पास मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स इसमें एलिमेंट एलिमेंट 24 है, ठीक है? तो इसको लिखने के पॉसिबल ऑर्डर कितने हो सकते हैं, बताओ, कोई बता सकता है? चलो एक हम बता देते हैं, उसके बाद आप लोग बताना, ठीक है? 24 है ना, तो इसको लिख सकते कैसे? पहले तो लिख सकते 24 गुने 1, उसके बाद 1 गुने 24, फिर 12 गुने 2, फिर 2 गुने 12, उसके बाद 6 गुने 4, 4 गुने 6, उसके बाद 3 गुने 8, 8 गुने 3, ये सब कुछ इसको पॉसिबल ऑर्डर है। तो इसको कितने ऑर्डर है? 8 नंबर ऑफ 8 ऑर्डर, ठीक है, लिखने का है। अब आप बताओ एग्जांपल में 13 को कैसे लिख सकते हैं? 13 बताओ, पता है? देखो 13 लिख सकते हैं, उसके बाद 13 गुने 1, ठीक है, लिख सकते हैं ना? इसके अलावा कोई लिखने का पॉसिबल ऑर्डर ही नहीं है, आप इसके अलावा कोई लिख सकते हैं? उसके बाद आप बताओ 12 को कैसे कैसे लिख सकते हो, बताओ बताओ। 1 गुने 12, 12 गुने 1, उसके बाद 6 गुने 2, उसके बाद पहले ऐसे करते जाते हैं, उसके बाद लेने से तो होगा ही नहीं, 10 गुने 6 गुने 2, 2 गुने 6, उसके बाद 3 गुने 4, 4 गुने 3, यही कुछ हो सकता है, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 ऑर्डर है, ठीक है? और भी कोई हो सकता है क्या, बताओ? हो सकता है, तो ऐसे एग्जाम में आता है, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू में पूछता है, तो आपको पहले से ही पता होना चाहिए, ठीक है? तो आगे बढ़े, तो बताओ रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं, कैसे होता है रो मैट्रिक्स, किसी को पता है? पता है, सही है, नहीं पता है तो चलो हम बता देते हैं। तो जिसमें रो एक हो और कॉलम नंबर ऑफ हो सकता है, नेचुरल नंबर ज़्यादा हो सकता है, एक या एक से ज़्यादा, ठीक है? सीधा सीधी ऐसा समझ लो, रो एक होगा जिसमें रो मैट्रिक्स में बात करेगा, तो रो एक होगा, एक, और कॉलम एक से ज़्यादा, ठीक है, ठीक है ना? एक से ज़्यादा, एग्जाम्पल में हम देते हैं, जैसे रो कैसे लिखाता है, ऐसे ऐसे नहीं चलता रो, तो इसमें मान लो 4 0 9 6, ये रो है ना, ऐसे एक रो है, और कॉलम कितने हैं, 0 mm,
एक दो तीन चार, कॉलम चार है और रो एक है, ठीक है। इसको कहते हैं रो मैट्रिक्स, ठीक है, समझ में आया ना। और कॉलम मैट्रिक्स किसे कहते हैं? बताओ बताओ, जिसमें कॉलम एक हो और रो ज़्यादा हो, ठीक है। जैसे मैं 4 5 6 7 8, ऐसे 4 2 2 हो गया, 9 कर लो इसको, ठीक है। ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसमें रो कितने हैं बताओ, रो कितने हैं? 1 2 3 4 5, पांच रो है, ठीक है। और उसके बाद कॉलम कितने हैं? एक, यही ना कॉलम, तो एक कॉलम है पांच। तो इसको लिखते कैसे हैं? पहले रो लिखाएगा उसके बाद कॉलम, ऐसे लिखते हैं एन क्रॉस एन, ठीक है। और इसको कैसे लिखेंगे? पहले रो, मतलब रो कितने हैं? एक क्रॉस, कितने कॉलम हैं? 4, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ बताओ, आ रहा है ना? आना भी चाहिए। तो आगे बढ़े, तो बताओ हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स किसे बोलते हैं? बताओ बताओ, किसी को पता है? बताओ बताओ जल्दी बताओ बताओ। तो उसको बोलते, देखो, जिसमें रोज कम हो और कॉलम ज़्यादा हो, मतलब रोज ग्रेटर देन कॉलम, ओके। गलत बोल देगा, इधर लेस देन होता है ना, इधर लेस देन होता है, इधर माय ग्रेटर देन। तो रोज लेस देन कॉलम, ओके, मतलब रो कम होगा, कम और कॉलम ज़्यादा होगा, ठीक है। एग्जाम्पल, हाँ रो कम करना है ना, 4 5 6 7 6 7 0 9, तो ये क्या है बताओ? रो तो 2 है ना, रो 2 है, ठीक है। और कॉलम कितने हैं? कॉलम दिख भी नहीं रहा है नीचे, कॉलम कितने हैं? 3 है। तो इसको लिखेंगे कैसे? 2 क्रॉस 3 एम गुना, ठीक है। इसको गुना नहीं पढ़ते हैं, क्रॉस पढ़ते, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, जो ऐसे होता है, ओके। इसके बाद वर्टिकल क्या होता है, ठीक है, बात कर लेते हैं उस पर भी। तो वर्टिकल क्या होता है, ओके, वर्टिकल मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसमें ऐसा होता है, रो ग्रेटर देन कॉलम, ठीक है। जिसमें रो ज़्यादा हो और उसके बाद कॉलम कम हो, ठीक है, कॉलम कम हो। तो इसका भी एग्जांपल एक देख ही लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल देखो, रो कम करना, रो ज़्यादा करना है ना, 5 4 5 7 9, और उसके बाद कॉलम कम करना है, एक तो मुझे 7 इतने बार याद होता है कि पता नहीं,
देखो यार, तो 3x3 का बन गया। अब देखो ये है ना वर्टिकल, तो इसमें कितने हैं, दो दो है 4 और वो है 2, कॉलम टू और रो 4, ठीक है। उससे मैं 3 लिखा था ना, वो 4x3 का बन गया था, हम 3x3 बोल रहे थे, सही था वो भी। और उसके बाद ये समझ में आ गया ना, कोई पूछेगा वर्टिकल वाला बनाओ तो बन जाएगा ना, वर्टिकल बन जाना चाहिए, नहीं तो मारेंगे फिर। तो अब बात कर लेते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। ओके, तो स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, तो जिसमें जैसे 3x3 सेम आ जाएगा ना, उसको कहते हैं स्क्वायर। जैसे 2x2 स्क्वायर, ठीक है। जैसे देखो ये है ना स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, 3x3 का। जैसे 2x2 का बना के दिखा दिया, जैसे -1, 0, 6 और 7, ठीक है, ये है 2x2 का। ये लिखना, ये लिखना, ठीक है। और बता दें क्या 4x4 का, देखो देखो 4x4 का ऊपर में भी 4 है ना, मतलब रो भी 4 होना चाहिए और उसके बाद कॉलम भी जो ऐसे चलता है ये भी 4 होना चाहिए, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, आ रहा है समझ, तो ठीक है आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आज तो 28 मिनट का लेक्चर हो गया है शायद, तो इतने को रिवाइज करो और सही से पढ़ लो, उसके बाद नेक्स्ट इसका लेक्चर 2 आएगा, ठीक है। सोचे थे इसका 1 शॉट लाएंगे बट ऐसा नहीं किया, सोचे डिटेल्स में ही पढ़ाते हैं। ओके,